इनके साथ अच्छी बात क्या है कि इनका वन पॉइंट सॉल्यूशन है, कुछ भी आपको नहीं करना है। ये अपने साथ हर चीज़ लेके आते हैं, सारा मटेरियल, सारा फिक्सिंग, सब कुछ, और सेटिस्फेक्शन से काम करके जाते हैं। आप सभी का फिर से स्वागत है अपने चैनल किसान फेंसिंग सॉल्यूशन में। जो आज हम पहुँचे हैं ये है नोएडा, जो NCR रीजन में आता है, दिल्ली के पास में। यहाँ पे जो है 2 एकड़ के लगभग का एरिया है जो हमें कवर करना है, और इसमें 6 फीट की जाली है और 3 जो है सपोर्टिंग वायर वो लगाने हैं। जो आप देख पा रहे हैं ये किसान की जो पड़ोसी से जो लगती हुई मेंढ है वो है, और इसमें थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ापन है, इस वजह से आपको थोड़े एंगल इधर उधर दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि जो बाउंड्री वॉल होती है वो डिपेंड करता है आपका कितना सीधा है। जितनी भी दूसरी वॉल होंगी वो आपको बिल्कुल सीधी नज़र आएंगी, लेकिन ये उनका जो पैमाइश है वो ही टेढ़ा मेढ़ा, इस वजह से आपको थोड़े यहाँ पे टेढ़े मेढ़े एंगल नज़र आ सकते हैं, क्योंकि हमें जो बाउंड्री वॉल होती है वो किसान की ज़रूरत के हिसाब से, ताकि किसी दूसरे पड़ोसी से झगड़ा ना हो, इसलिए जो उनकी बाउंड्री वॉल होती है, वॉल जो उनकी मेंढ होती है उसी के ऊपर हमें करना पड़ता है। और बल्कि हमें इसमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बैंड आते हैं उसमें ज़्यादा टर्न भी आते हैं। तो जो आप देख रहे हो अभी ये काम पूरा हो गया है, 3 सपोर्टिंग वायर लगे हैं इसमें, 6 फीट की जाली है, टाटा वायरोन की बेस्ट क्वालिटी मटेरियल इन्होंने लगवाया है, 15 फीट की डिस्टेंस पे इनके एंगल लगे हुए हैं। तो ये जो काम है ये पूरा हो गया है, और इसमें जो फाइनल टच है वो भी हम कर चुके हैं। कुछ जो कॉर्नर वगैरह हैं वो दोबारा से चेक कर रहे हैं हम। आप देख रहे हैं कि हर कॉर्नर पे सपोर्टिंग एंगल भी लगाए हुए हैं, ताकि जो कॉर्नर का एंगल है वो बेंड ना हो, क्योंकि मैक्सिमम वेट जो होता है वो उसी एंगल पे रहता है। तो ये आप आगे तक देख पा रहे होंगे झोपड़ी तक, और आगे जो है रिहायशी एरिया है। तो इन सभी एरिया को पूरा अच्छी क्वालिटी के काम के साथ हमने मात्र 2 दिन के समय में हमने इसको पूरा कर दिया है। 3रा दिन हमारा आप लगा है, हमारी टीम जो दिया हुआ समय है उससे पहले आपको काम पूरा करके देती है क्वालिटी के साथ में, यही हमारी खासियत है। और हम बेस्ट कस्टमर सेटिस्फेक्शन पर ध्यान देते हैं, हमारा जो कस्टमर है वो सेटिस्फाई होना चाहिए, क्योंकि जो हमारा कस्टमर सेटिस्फाई होगा तभी हम अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसमें हम जो हमारे कस्टमर हैं अंकल जी हैं, उनसे भी आपकी बात करवाएंगे, जिनके फार्म पे ये काम पूरा हुआ है उनका हमारे काम के बारे में क्या कहना है, वो भी हम आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। मैं अनिल शर्मा, अमरपुर गांव, ग्रेटर नोएडा से, और अमरपुर गांव में मेरा खेत है 7.5 बीघा। तो मैंने YouTube पे वीडियो देखा किसान सॉल्यूशंस का, फेंसिंग जाली लगाने का, तो मैंने दीपक जी को फ़ोन किया, इनसे बात हुई। और हालांकि भिवानी बहुत दूर है ग्रेटर नोएडा से, मगर ये लोग बड़े अच्छे लोग हैं, इन्होंने मेरी बात मान के और मेरे को जाली लगाने के लिए ये तैयार हो गए। और ये लोग सारा सामान सारा कुछ इनके साथ। अच्छी बात क्या है कि इनका वन पॉइंट सॉल्यूशन है, कुछ भी आपको नहीं करना है, ये अपने साथ हर चीज़ लेके आते हैं, सारा मटेरियल, सारा फिक्सिंग, सब कुछ, और सेटिस्फेक्शन से काम करके जाते हैं। तो इनका बड़ा अच्छा काम लगा हमको। हमारी टीम कैसी लगी अंकल जी? आपकी टीम तो देखो 5 लोग हैं, जब से आए 1 मिनट रुके नहीं, रात में काम, दिन में काम, इतने मेहनती लोग, और अच्छा काम करते हैं, गुड क्वालिटी वर्क करते हैं, मतलब कोई धोखाधड़ी का काम नहीं है। जो एंगल इन्होंने कहे वो एंगल इनके बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास टावर वाले एंगल हैं, बिल्कुल प्रॉपर थिकनेस, सब कुछ। जाली टाटा की इन्होंने कही, टाटा की जाली है, क्वालिटी वाइज बांधा बूंदा ये सब काम बढ़िया कर रहे हैं, और हमें संतुष्टि है इनके काम से। और आसपास के क्षेत्र के लोग, ग्रेटर नोएडा के और नोएडा के, अगर चाहें तो इन लोगों से इनका कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह मिल जाएगा। ये बहुत अच्छे लोग हैं और इनका काम भी बहुत अच्छा, रीजनेबल प्राइस का है, हालांकि लोहे की प्राइस बढ़ी हुई है, फिर भी ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं। आप हमारे काम से संतुष्ट हैं जी? हम तो भाई साहब पहले दिन से संतुष्ट हैं, हमने तो आपका नाम सुना, आपकी वीडियो देखे YouTube पे, उसके बाद में फिर हमने अपना मन बनाया। और हमारे गाँव में क्या है, यहाँ आस पास में जंगल बहुत बड़ा है, इसमें जानवर बड़े आते हैं, नील गाय है, सुअर है, बंदर हैं, ये सब हैं। तो जाली का काम जो है ना, इसके होने से खेतों की पूरी सुरक्षा हो जाती है और खेतों की वैल्यू बढ़ जाती है, जिससे कि उसके अंदर खेती खुदी जो भी है वो सब आपका बिल्कुल बढ़िया। अभी क्या है, यहाँ पे हमारा खेत होता था, आधी फसल जानवर चढ़ जाते थे, नील गाय वगैरह, बड़ा अच्छा, नील गाय बहुत हैं, अब नील गाय इसके आसपास घूमेंगी, अंदर नहीं घुस सकती, तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है लॉन्ग रन में, किसान भाइयों को बहुत फ़ायदे की चीज़ है ये। थैंक यू अंकल जी इतना समय देने के लिए। धन्यवाद जी।